प्रिय दर्शकों, थेरापी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अशरफ बनी। आज हम पेनिस साइज की वृद्धि हेतु कुछ अति कारगर नुस्खों के बारे में बात करेंगे। सभी पुरुष चाहते हैं कि उनके लिंग का आकार मोटा और लंबा हो, क्योंकि स्त्री को संभोग में चरम संतुष्टि देना हो तो पुरुषों के लिए मोटा और लंबा लिंग की बेहद जरूरत है। आज हम पुरुष लिंग के आकार में वृद्धि हेतु आयुर्वेद से कुछ अति कारगर नुस्खों के बारे में बात करेंगे। आशा है आप इन नुस्खों से लाभ उठाएंगे और अपने यौन जीवन को बेहतर बनाने में सफल होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आइए आप नुस्खों की तरफ बढ़ते हैं। पुरुष लिंग की वृद्धि हेतु पहला नुस्खा है इंद्रजौ और दूध मलाई का प्रयोग। दूध मलाई और इंद्रजौ को समान मात्रा में मिलाकर दोनों को अच्छी तरह से पीसकर बारीक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को दिन में 3 बार लिंग में मालिश करना होगा। इस नुस्खों के इस्तेमाल से लिंग मोटा और लंबा होता है। दूसरा नुस्खा, प्योर हनी और सुअर के चर्बी समान मात्रा में लेकर अच्छी तरह से मिला ले। इस मिश्रण को ज्यादा से ज्यादा लिंग में मालिश करने से लिंग का आकार बड़ा होता है। ये नुस्खा सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों के लिए है, मुस्लिम इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि सुअर मुस्लिमों के लिए निषेध है। जो भी हो, सभी अपने अपने धर्म का पालन करें और खुश रहे। तीसरा नुस्खा, सेंधा नमक कबूतर के अंडकोश और शहद को समान मात्रा में मिला ले। इस मिश्रण को पेनिस में लगाने से पेनिस का आकार बड़ा होता है। चौथा नुस्खा, मुर्गी का अंडा और मक्खन समान मात्रा में मिलाकर लिंग में मालिश करने से पुरुष लिंग लंबा और मोटा होता है। इन सब नुस्खों के अलावा मार्केट में श्री गोपाल तेल मिलता है, पेनिस हेल्थ के लिए इसका भी उपयोग किया जा सकता है। हालांकि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए है, लेकिन इसके उपयोग से पेनिस का आकार बढ़ता है। पेनिस साइज इंक्रीज के लिए हशमी हर्बल का एक प्रोडक्ट सिकंदर आजम मार्केट में मिलता है। जो भी हो, पेनिस साइज का अगर वृद्धि करना हो तो 13 से 25 साल के एज के भीतर ही बोले गए सभी उपायों का अवलंबन करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।